तो आ गए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुदेश। दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो में 10 हिडन एंड्रॉइड सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। दोस्तों ये आपको अभी के अभी चेंज कर लेनी चाहिए। दोस्तों आप इनको जानकर भी आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी कमाल की सेटिंग्स है। दोस्तों आप एक बार जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग के बारे में बताता हूँ जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपकी मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको मतलब मिल जाएगा मोबाइल डाटा या सिम कार्ड, वहाँ पर आपके मोबाइल में जो ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जाना पड़ेगा, आपको देख सकते हो ये नीचे डाटा सेवर का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है, इसे ऑन कर देना है, ठीक है। ये तो डाटा सेविंग हो गया, लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और है, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड डाटा, यानी कि तीन ऐप्स है जो अलाउ करती है जो अनरेस्ट्रिक्टेड डाटा व्हेन डाटा सेवर इज ऑन, यानी कि आपका डाटा सेवर जब ऑन रहेगा ना, यानी कि जो बेकार की काम रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सिस बैंक में ऑन कर देता हूँ, या फिर मैं कहीं पर भी देख सकते हो यहाँ पर ये कैरियर सर्विस है जिसमें मैंने ऑन कर रखे हैं बहुत से, जहाँ पर मतलब मैं काम भी नहीं करूँ लेकिन फिर बिना उसके एक तो बैकग्राउंड में वो काम करता रहे, अपना डाटा बैकग्राउंड में यहाँ पर डाटा मेरा लेता रहे और मेरे यहाँ पर डाटा खत्म होता रहे, तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई डाउनलोडिंग चला रखा है या कोई ऐप है जैसे व्हाट्सअप है, यहाँ पर बैकग्राउंड में यहाँ पर आप नहीं चाहते कि मेरे क्लोज करने के बाद भी ये कुछ काम करे, तो सारी ऐप्स को आप अलाउ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि जो आपके ज़्यादा काम की नहीं है ना, उन्हें ही यहाँ पर आप अलाउ कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पर बहुत सी बार होता है कि डाउनलोडिंग अपने आप चलने लग जाती है, मतलब वो व्हाट्सअप है सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, जो डाउनलोडिंग यहाँ पर चलती रहती है, बहुत सी बार ऑटो डाउनलोड हो जाता है, तो यहाँ पर आप ऑन कर सकते हो, इसे ऑन करके यहाँ पर अपने डाटा को बचा सकते हो। तो दोस्तों एक सेटिंग तो ये हो गई, बढ़ते दोस्तों हमारी यहाँ पर दूसरी सेटिंग की ओर। दूसरी सेटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये थ्री डॉट है इधर लेफ्ट साइड पर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन, तो आपको इसको ऑन ओपन करके यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर एक बार प्ले प्रोटेक्ट को जाने के बाद आप देख सकते हो राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आप अननोन सोर्सेज से भी कोई ऐप डाउनलोड करते हो गूगल से, तो आपको यहाँ पर ये इसे प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल, मतलब कोई जो बिना काम की ऐप है, जो मतलब काम की नहीं है, मतलब बहुत सारी बिना विदाउट परमिशन मांगती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐप्स होती है जिनको कैमरे की परमिशन नहीं रहती लेकिन वो फिर भी कैमरे की परमिशन मांगते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपके डेटा चुरा लेते हैं, तो दोस्तों इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसका नाम भी यही है, इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। तो दोस्तों इसे भी आप यहाँ पर इनेबल कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो मतलब कोई ऐप जो हार्मफुल होगी आपके मोबाइल के लिए, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि आप इसे हटा दो और इसे भगाओ यहाँ से, निकालो साले को यहाँ से, भगो यहाँ से हार्मफुल साली की। तो दोस्तों बढ़ते हमारी तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा वापस आपकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आपको अबाउट फोन में जाना पड़ेगा। अबाउट फोन में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्ड नंबर नीचे की नीचे ही दिख रहा है, जो मेरे को इस पर यहाँ पर 7 टाइम बार क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर 7 टाइम बार क्लिक करके आपको डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये देख सकते हो सेटिंग्स में सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है विंडो एनिमेशन स्केल। देख सकते हो यहाँ पर ड्राइंग के फॉर्मेट में आएगा यहाँ पर विंडो एनिमेशन स्केल, इसमें आपको यहाँ पर 0.5x कर देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो एनिमेशन है ना खुलने के, ये एनिमेशन होते हैं ये यहाँ पर ये कम हो जाएंगे, यानी कि आपको जो खुलने में समय लगेगा वो यहाँ पर कम लगेगा। अगर दोस्तों आप चाहो तो इसे ऑफ भी कर सकते हो, इसमें कोई एनिमेशन नहीं आएगा, और दोस्तों आपको मतलब काफ़ी सबसे फास्ट चाहिए और आपको नहीं चाहिए कि जो ये एनिमेशन खुलता है वो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत एनिमेशन भी चाहिए और फास्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0.5x कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी ये तो हो गई यहाँ पर तीन ट्रिक, चौथी ट्रिक की तो और बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसके लिए भी आपको वापस जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, जो यहाँ पर होती है दोस्तों यहाँ पर आपके कोई पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर जूम नहीं कर सकता, देख सकते हो यहाँ पर मेरे को कोई जूम करना है, गूगल क्रोम खोलना है, लेकिन वहाँ जूम नहीं हो रहा है कि होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों यहाँ पर आपको तोड़ बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर जूम कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपनों एक्सेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मैग्निफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप ऑन कर दीजिए, देख सकते हो ऑन करने के बाद आप यहाँ पर कहीं पर भी 3 बार टैप करोगे तो आप देख सकते हो ये जूम हो जाएगा, देख सकते हो ये जूम हो चुका है, देख सकते हो कितना भी जूम कर लो आप इसे जूम हो जाएगा। वापस आउट करने के लिए 3 टाइम बार टैप कर दीजिए स्क्रीन पर, देख सकते हो यहाँ पर क्विकली टैप, मतलब जो अपन डबल बार डबल टैप करते हैं वैसे ही आपको 3 टाइम टैप करना है, देख सकते हो ये मैं कहीं पे भी करूँगा तो, और मैं से ड्रैग भी कर सकता हूँ कि कहाँ जाना है मुझे, इधर उधर लेफ्ट राइट यहाँ पर पढ़ सकता हूँ मैं क्या है, यहाँ पर पूरी जूम आउट भी कर सकता हूँ यहाँ पर 3 बार टैप करके। तो दोस्तों इसे भी आप इनेबल कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। दोस्तों ये तो हो गई हमारी चार सेकंड सेटिंग।
पांचवी सेटिंग के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शन में, जिसमें यहाँ पर आपको कोई गेमिंग करते हो आप, कभी कभी भारी गेमिंग करते हो, पबजी खेलते हो या फिर सीओडी खेलते हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको कभी कभी लेग्स देखने को मिलते हैं, मतलब हैंग हो जाता होगा, कभी नहीं चल पाता होगा। तो उसके लिए आपको इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कहाँ पर जाने के बाद, हार्डवेयर एक्सेसिबिलिटी रेंडिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोर्स 4X MSS, यहाँ पर आप इसे ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों को आपको ये जो एप्स मतलब जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है ना वो आपको यहाँ पर काफ़ी कमाल मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का यहाँ पर आपको नुकसान होगा, वो क्या है, बैटरी, यानी कि बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी आपकी इसकी, इसको ऑन करोगे तो। दोस्तों मैं यहाँ पर अभी गेमिंग नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ इसे ऑफ कर देता हूँ, जब गेमिंग करूँगा मैं इसे ऑन कर लूँगा, बेसिक सी बात है। तो ये तो हो गई हमारी दोस्तों पाँच सेटिंग। अब दोस्तों छठी सेटिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर वापस सेटिंग में, जिसके लिए आपको फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पर बहुत सारी एप्स खुल रही है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक दो ही एप्स चले। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सर्च करना है अपने, यहाँ पर इसमें जाने के बाद बैकग्राउंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पर लिमिट देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सर्च किया बैकग्राउंड लिमिट, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, वापस आपको यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स में ही जाना पड़ेगा, डेवलपर ऑप्शंस में, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड, मतलब जो बता देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर आपको, तब जाके समझ में आ जाएगा। तो ये बैकग्राउंड का जो कितनी वेब्स यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसमें मैं अपनी सेटिंग्स करके रख लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई मैं ऐप चलाना चाहूँगा भाई इतनी ही चले, ज़्यादा ना चले तो यहाँ पर वही चलेगी, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो यहाँ पर मैंने इससे स्टैंडर्ड कर रखा है जितनी मैं यहाँ पर रखना चाहूँ। तो यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपनी बैटरी वैटरी सब बचाना चाहता हूँ तो, और यहाँ पर एटमोस्ट 4 भी कर सकता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम रहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा काम नहीं होता है तो नो बैकग्राउंड यूज़ करके आपका जो डाटा है ना, जो मतलब नेट ज़्यादा आपका आपका मोबाइल जो ज़्यादा हैंग होता है, तो आप यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों ये तो होगा हमारे हमारी छठी सेटिंग्स। अब बढ़ते हमारे दोस्तों सातवीं सेटिंग की ओर। तो दोस्तों जो सातवीं सेटिंग है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल मैप पर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कमाल की सेटिंग है, अगर आपको बेसिकली कोई पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए जहाँ पर आपको ऑफलाइन मैप चाहिए, आपके मोबाइल में नेट नहीं है लेकिन आपको ऑफलाइन में मैप कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों मतलब इसी ट्रिक में, सातवीं ट्रिक जो हमारे यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको जो देख सकते हो यहाँ पर ये खोला मैंने, और यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल की लिंक होती है उस पर क्लिक करना, प्रोफाइल की लिंक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफलाइन मैप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ऑफलाइन मैप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख रहा है सेलेक्ट योर ओन मैप। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जाके अपना जो मैप है, मैं इंडिया में कहीं पे जहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये मैं इंडिया में गया, अब मैं इंडिया में जैसे मेरे को पर्टिकुलर लोकेशन से कहीं ना कहीं से, तो मेरा यहाँ जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इंदौर से उज्जैन का जो रूट है यहाँ पर मेरे को इसे ऑफलाइन सेलेक्ट करना है। देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर ऑफलाइन सेलेक्ट कर लिया है, ये इंदौर उज्जैन मतलब इसको यहाँ पर पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर डाउनलोड में बता रहा है कि यहाँ पर डाउनलोड विल यूज़ अप टू 65 MB टू फ्री स्पेस, मतलब 65 MB आपको डाउनलोड करने पर लेगा, उसके बाद आप इसे जितनी बार यूज़ करोगे वो ऑफलाइन में हो सकता है यूज़ बिना नेट के। जी हाँ दोस्तों, नेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप चाहते हो आप कहीं ना कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे घूमना, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर पूरा इंडिया का भी, लेकिन इंडिया का पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर जो वो रहती है वो यहाँ पर कैपेसिटी भी वो भी ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि इंडिया का पूरा बता देगा तो फिर आप तो या उसका डाउनलोड का क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, देख सकते हो जैसे इंदौर से इधर यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक बता रहा है 180 MB, मतलब इतना MB आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप लाइफ टाइम इसे यहाँ पर फ्री में ऑफलाइन डाउनलोड मतलब फ्री में यूज़ कर सकते हो बिना नेट के। तो दोस्तों ये भी काफ़ी कमाल की ट्रिक है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर आठवीं ट्रिक की ओर। दोस्तों जो आठवीं ट्रिक है, बेसिकली आप किसी को अपना मोबाइल देते होंगे और आपको डर रहता होगा कि वो मेरे साथ यहाँ पर कोई एप्स दूसरी ना चला ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको यहाँ पर चलाना है कोई गेम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर उसको गेम चलाना है, तो आपको गेम ओपन करके दे दोगे, लेकिन वो यहाँ पर आपको क्या पता कि उसने क्या चलाया, तो वो जाके कुछ भी चला लेगा, आपकी गैलरी खोल लेगा, व्हाट्सअप खोल लेगा, आपकी जाने क्या क्या चीज़ें पढ़ लेगा। तो उससे सिक्योर रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसके टॉप साइड पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पिन का, तो आप इसे पिन कर दोगे ना, तो पिन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगी। आप मैं कितना ही बैक टच कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं होम भी दबा रहा हूँ, मैंने गूगल का सब कुछ कर लिया यहाँ, फिर भी ये बैक नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैक करने के लिए क्या करूँगा, लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस प्रोसेस से बाहर आने के लिए। तो दोस्तों ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा पहले, बेसिकली बात तो ये है, और यहाँ पर वो इस ऐप के अलावा कोई सी भी ऐप नहीं चला पाएगा। अगर आप कोई सी भी ऐप पिन करना चाहते हो तो इसी मेथड से कर सकते हो दोस्तों। तो आपको अनपिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक बटन और होम बटन दोनों एक साथ दबाना है और ये अनपिन हो जाएगा, और यहाँ पर ये लॉक लग जाएगा, जिससे क्या होगा आपकी सिक्योरिटी बन जाएगी और आप इसे लॉक खोल के वापस आपने अपने हिसाब से मोबाइल को चला सकते हो। तो
दोस्तों ये भी काफ़ी कमाल की ट्रिक है। दोस्तों इस ट्रिक का एक और बेनिफिट है जो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, जो बोनस है एक तरह से। तो दोस्तों इसमें यह होता है जैसे कि बेसिकली आप इसे पिन भी कर देते हो तो यहाँ पर आप कोई ऐप जो सारी रिसेंट ऐप से हटा देते हो तो दोस्तों यहाँ पर वो जो ऐप आप यहाँ पर पिन कर दोगे वो बहुत काम की होती है। आप सोचते हो यार हटा दिया तो उसमें काम चल रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर पिन कर दोगे ना तो वो यहाँ पर वो ऐप नहीं हटेगी, बाकी सारी ऐप्स यहाँ पर हट जाएगी। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है दोस्तों पिन वाली ऐप क्यों जो यहाँ पर है, तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। यहाँ पर आपको भी अच्छी लगी ना लगे तो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगती है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इन सभी ट्रिक में से। तो दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, आपको अपनी मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसके यहाँ पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रिक जो आपकी काफ़ी कमाल की ट्रिक है दोस्तों, जिसके लिए आपको मतलब जो हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल गुम जाता है, तो गुम जाने के बाद आप पता करना चाहते हो कि मोबाइल कहाँ पर है, क्या है, कहाँ नहीं है, आप कहीं रखकर भूल भी जाते हो, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, इसको आप हमेशा इनेबल करके रखिए, जिससे क्या होगा दोस्तों यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस आप ओपन करके रखोगे तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल कहीं भूल जाते हो तो आप अपने लैपटॉप से या किसी दूसरे मोबाइल से डिवाइस मैनेजर पर जाइए, गूगल की जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस की, तो वहाँ पर जाइए। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आप उसे रिंग कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, मोबाइल का पूरा डाटा क्लियर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर अपनी अपनी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो काफ़ी कमाल की ट्रिक है फाइंड माई डिवाइस की। तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने मोबाइल को चोरी होने से भी बचा सकते हो, और चोरी हो गया आप हैंड टू हैंड ट्रैक कर सकते हो यार 5 मिनट में, तो फटाफट जाके ट्रैक कर सकते हो कि आपके मोबाइल कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ है, कहाँ गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। हमने इनमें से आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी सभी ट्रिक्स में से, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।